अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज को व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी जब मैं सो के उठी हूँ, सो क्यों नहीं उठी, नाश्ता वास्ता मैंने सब कर लिया है। और अब मैंने देखा कि बाहर बारिश हो रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी बारिश अभी तेज हो रही थी, लेकिन अब हल्की हल्की भी देख सकते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी कीचड़ भी होगी हमारी गली में, और मैं आपको दिखाती हूँ अलग से। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैंने अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, थोड़ी देर पहले ज़्यादा हो रही थी। मैंने कई ब्लॉग स्टार्ट करे, तो मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। मैंने अभी बाहर रोड पे जाके क्लिप्स सारी बना ली है, मैं आपको अपने ब्लॉग में उस पर ऐड करूँगी। और अभी मेरे सामने से भाई आ रहा है घूरते हुए, भाई लॉलीपॉप खाते हुए जा रहे हैं अंदर। अपनी दादी डांट पड़ रही, हाँ ये नदी पे गई थी, हाँ नदी पे से मुंह धो के आई है ये, कुएं में गई थी डुबकी मारने। हाँ कुएं में गई थी डुबकी मारने। बाहर किसने खींचा तुझे? बोल। आज तो अब मेरी फाइलें तो अभी तक सारे सब्जेक्टों की पूरी हुई नहीं है, तो अब आज हमने हमें टारगेट करा है हमने इकोनॉमिक्स को, तो आज हम बना रहे हैं इकोनॉमिक्स की फाइल, बनाते हैं। और साथ में निदाई बहन आ ही रही है। गाइस तो हमारी फाइल तो अभी बन चुकी है जो हम बना रहे थे, और अब आ गए हम निदा को लेनी थी दवाई, तो उसको दवाई दिला करके दिलाने आई हूँ मैं। लोग अब आ चुके हैं निदा को दवाई दिलवाने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ फिल्म हो रही है। निदा क्या हुआ बताइए, बता दे। मम्मी नहीं बताएंगे, एक राज है। निदा बताएगी, निदा बता दे, बता दे। जो यहाँ पे डॉक्टर है ना, वो सामान मारते मारते बाहर चले गए, निदा को दवाई नहीं थी। निदा ऐसा हुआ गाइस, तो अभी हमें लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी भूख, तो हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लेने के लिए। और निदा आ गए भाग रही, जैसे कि पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है। चिरंजीवी एक्सप्रेस पकड़ी है क्या तूने? मैं बोला तो ब्लॉग में आ जाऊंगा। हाँ भाई, हाय। कुछ भाई मिल चुके, कहाँ से लाया? भाई भाई बोला क्या कहना था? कुछ नहीं कह रहा, मैंने बोला आप लोग बहुत अच्छे हैं इसमें। ओह पे और भी लोग हैं। हाँ भाई मजाक कर रहा था, मजाक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे। आए बोलते हैं अच्छा बोल। गाइस सब लोग हम घर पे जा रहे हैं, हमने ले चुके हैं हम फ्रेंच फ्राइज। और यहाँ पे हमें कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे हमारे। आज सुबह में मुझे मिली थी एक लड़की थी छोटी सी, लेकिन उस टाइम पे मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और निदा फालतू में हंस रही है कि मेरा कॉन्फिडेंस पूरी डीमोटिवेट मुझे यही कर रही है। और अभी हम जा रहे घर पे, बाकी मैं आपको और बताऊँगी अभी घर जा करके। तो हमें एक और फराज भी मिल चुका, ये रहा फराज। हेलो फराज, क्या छुपाया? और कुछ बोलना चाहेगा तो मैं मेरी वीडियो देखता है। ओह थैंक यू सो मच। तो मैं घर पे आ चुकी, और आज तो मुझे दो बार मेरे सब्सक्राइबर मिले थे। और सुबह में मुझे मिली थी एक लड़की, मिली थी छोटी सी थी, वो मेरे को बोल रही थी मैं तुम्हारे रोज डेली ब्लॉग देखती हूँ, और तो मुझे उससे मिल के ही बहुत अच्छा लगा। अभी फिर मैं अभी सामान लेने गई थी, तो मुझे कुछ भाई मिले थे, वो भी मेरे सब्सक्राइबर थे। उस टाइम मुझे लगा वो मजाक कर रहे, लेकिन वो असलियत में मेरे सब्सक्राइबर थे। उनसे ही मुझे मिल के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पिंक फ्रेंच फ्राइज तो हमने खा लिए, अभी देखते और क्या करना है। तो मैम आ चुकी हूँ बर्गर लेने के लिए, और ये रहे भैया, मैं इनसे लूँगी बर्गर। भैया से हाय, हाय कर रहे ऐसे करके। और अभी मेरा बर्गर अभी बनाएंगे भैया, तो मैं आपको भैया अब बनाने जा रहे हैं। मेरा बर्गर उन्होंने रख दिया है, और ये बर्गर काफ़ी टेस्टी बनाते हैं, मैं इनसे ही लेती हूँ। तो अब मेरी टिक्की तो फ्राई हो रही है, जिसमें रखी जाएगी
और इसमें ये भैया डाले हैं, चटनी वगैरह डाले हैं। दूर हो जाऊं कहीं मेरे पे छींटे आ जाए। अब बर्गर पैक हो चुका है ये रहा, और ये रे भैया इन्होंने मेरे को बर्गर पैक करके दिया। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बर्गर बनाते हैं। भैया अपने बारे में कुछ बताओ। हाँ, अपनी इन्होंने अपने जो दुकान या ठेला है जो भी है उसका नाम बताया, क्या है? विजय चाट। विजय चाट। अगर आप इधर कहीं पर हो तो उनसे ज़रूर बर्गर लेना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा बर्गर बनाते हैं। आज का ब्लॉग बस इतना ही, आपसे मिलती हूँ कल। मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। बस आज का ब्लॉग बस इतना ही, आपसे मिलती हूँ कल। बाय बाय।